हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करें, क्लास को अपनी मिल करके शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। दोस्तों, आशा करते हैं आज की क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, अपने क्लास में 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेकर के आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर कर दें। ओके, तो आपका पहला प्रश्न है कि RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RBI लोकेटेड? ऑप्शन है आपके दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। बताएं कि RBI का मुख्यालय कहां पर है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, मुंबई। क्लियर, मुंबई। तो RBI का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। क्लियर, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स की भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट। चलिए फ्रेंड्स, आपको बताना कि इनमें से कौन सा RBI का कार्य नहीं है। ऑप्शन है आपके करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा बनाना, भारत के सभी बैंकों का नियंत्रण रखना, निर्यात कर्ताओं को ऋण देना। तो इनमें से कौन सा हमारा RBI का कार्य नहीं है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा फोर, निर्यात कर्ताओं को ऋण देना। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स इनका भी आंसर ऑप्शन फोर आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो RBI का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है साथियों, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं होता है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कुछ सेम टाइप का दिखने वाला है लेकिन आपका डिफरेंट क्वेश्चन है। बताइए, प्रश्न है आपका फ्रेंड्स कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, बताइए। द फंक्शन ऑफ RBI इज नॉट और द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक इज ऑफ इंडिया इज नॉट। ऑप्शन है आपके नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, जनता से जमा स्वीकार करना। कमेंट करें। चलिए, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन फोर, जनता से जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। जनता से जमा स्वीकार करना ये RBI का कार्य नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड देखिए, आप एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि उस कौन सा RBI का कार्य नहीं है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन ये भी दे सकता है कि आप RBI में खाता खोल सकते हैं, तो ये भी कथन हमारा RBI के संबंध में गलत होता है, तो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट अपना नहीं खोल सकते हैं। क्लियर, चलिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है, वो कंट्रोल्स द क्रेडिट जनरेटेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स। पता है व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन है आपके भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, ये भारत सरकार। कमेंट करें। चलिए, तो हम बात करते हैं व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित जो साख का नियंत्रण कौन करता है, आपको बताना था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। क्लियर, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। तो इसमें जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए,
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने की, भारत में करेंसी नोट जारी करता है, इश्यूज करेंसी नोट्स इन इंडिया, बताएं भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। ऑप्शन है आपके वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए भारत में करेंसी नोटों को कौन जारी करता है। चलिए तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा 4, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आरबीआई होती है, ये भारत में करेंसी नोट को जारी करती है। तो इसमें जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने की, भारत के विदेशी विनिमय का प्रतिरक्षक है, द डिफेंडर ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज इज, पता है भारत में विदेशी विनिमय का प्रतिरक्षक कौन है। ऑप्शन है आपके विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए भारत की विदेशी विनिमय का प्रतिरक्षक कौन होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा 4, आरबीआई। ठीक है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन 4 जिनका भी आंसर आया हो बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोगों ने आरबीआई के बारे में क्या क्या सीखा कि भारत में विदेशी विनिमय का प्रतिरक्षक होता है, बैंकों का बैंक होता है। ठीक है इसके अलावा ये जो है इसका कार्य क्या नहीं होता है, तो संपत्तियों को इकट्ठा करना जनता से। ठीक है तो ये सब चीज़ें आरबीआई के संबंध में है, याद रखेंगे। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है, फ्रॉम हूम फॉर हूम इज तलचर इंपॉर्टेंट, तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके जल विद्युत उत्पादन, भारी जल संयंत्र, एटॉमिक रिएक्टर या टेबल उद्योग। बताइए फॉर हूम इज द तलचर इंपॉर्टेंट। चलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 2, भारी जल संयंत्र, हैवी वाटर प्लांट। ठीक है तो फ्रेंड्स तलचर जो है याद रखेंगे भारी जल संयंत्रों के लिए फेमस है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन 2 आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख जो है कच्चा पदार्थ है बताएं। ऑप्शन आपके खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या कोयला, बताइए। चलिए भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए जो प्रमुख कच्चा पदार्थ है तो ये इसमें हम कोयले का यूज़ करते हैं, कोल। तो प्रमुख कच्चा पदार्थ कौन सा है साथियों, ये कोयला होता है, कोल। ऑप्शन 4 जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने भूतापी ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया जियो थर्मल एनर्जी सोर्स हैव नॉट बीन फाउंड, मतलब भारत के किन क्षेत्रों में भूतापी ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं।
ऑप्शंस हैं आपके गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय या पश्चिमी तट। कमेंट करें। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। तो गंगा डेल्टा। ओके, तो गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो ऐसे में अगर आपने फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड चुना हुआ है तो दोस्तों ये आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। गंगा डेल्टा हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आप सब लोग अपने क्लास को शेयर करते रहेंगे क्लास को सपोर्ट करने के लिए। क्लास में आपको 350 बच्चे लाइव लेकर के आना है। ओके चलिए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने की, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमाणु पावर रिएक्ट स्टेशन। ऑप्शंस हैं आपके रामागुंडम, रावतभाटा, नरौर, ये नरौरा या कलपकम। बताएं कि में से कौन सा जो है पावर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। कमेंट करें। तो कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है। चलिए तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आप चुने हैं आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रामागुंडम। तो रामागुंडम में जो है रामागुंडम एक पावर स्टेशन नहीं है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द मुद्रा पावर प्लांट लोकेटेड। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात या मध्य प्रदेश। बताइए कि मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन थर्ड गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में जो है मुद्रा पावर प्लांट स्थित है। ओके इसके अलावा गुजरात में ही सबसे बड़ी विश्व की मूर्ति भी बनी हुई है। ओके गुजरात का जो अहमदाबाद है उसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्लियर। तो गुजरात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। ओके कई सारे स्मारक, एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट भी गुजरात में ही है। ओके इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स किस प्रतिशत और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र प्रशासित प्रदेश है। द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन ऑन 100% सोलर एनर्जी इज 100% सोलर एनर्जी इज। ऑप्शंस हैं आपके अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दीव या दमोली, सॉरी पुदुचेरी। बताइए। चलिए तो 100% पर सौर ऊर्जा पर चलने वाला जो भारत का पहला केंद्र स्थापित किया गया था फ्रेंड्स याद रखेंगे ये स्थापित हुआ था दीव में। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। दीव हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक सेकेंड फ्रेंड्स। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। बताइए विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन्स। इनमें से किस जो है उद्योग में सबसे अधिक महिलाएं हैं। ऑप्शंस हैं आपके चाय उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग या रबड़ उद्योग। बताइए कि भारत के किस उद्योग में सबसे
सबसे अधिक महिलाएं हैं? चलिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चाय उद्योग, यानी कि टी इंडस्ट्री। ठीक है, तो चाय उद्योग में भारत का एक ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। ओके चलिए फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस पेट्रोकेमिकल इज रिलेटेड। तो इनमें से कौन सा जो है स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? ऑप्शन हैं आपके कोरबा, नेपानगर, कोयली या नासिक। बताइए कि इनमें से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? फटाफट से कमेंट करें। चलिए तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड, कोयली। ठीक है, कौन सा स्थान? तो कोयली एक ऐसा स्थान है जो कि पेट्रो रसायन से संबंधित है। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आया हुआ है, वो फ्रेंड्स आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है, कोयली इज द राइट आंसर। चलिए ओके फ्रेंड्स, सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधन शाला स्थापित नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑयल रिफाइनरी इज नॉट इटैब्लिश्ड। बताइए कि इनमें से किस बंदरगाह पर तेल शोधन शाला स्थापित नहीं है? ऑप्शन है आपके मंगलौर, कोची, चेन्नई, डायमंड हार्बर। बताइए कि इनमें से किस स्थान पर तेल शोधन शाला स्थापित नहीं है? चलिए तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर, डायमंड हार्बर। ओके, डायमंड हार्बर एक ऐसा जो है बंदरगाह है जहां पर तेल शोधन शाला यानी कि ऑयल रिफाइनरी स्थापित नहीं है। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर फोर आया हुआ है फ्रेंड्स, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, डायमंड हार्बर हमारा इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहाँ स्थित है? वेयर इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन इंडिया। बताइए कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहाँ पर है? ऑप्शन हैं आपके बरौनी, जामनगर, मुंबई में या कोयली में। बताइए कि फ्रेंड्स भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहाँ पर स्थित है? चलिए चलिए फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करें, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहाँ पर है? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, जामनगर। ठीक है, तो गुजरात के जामनगर में। ठीक है, यहां पर भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन शाला स्थित है, ऑप्शन सेकंड अगर आप चुन रहे हैं इसका आंसर, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका काफी अच्छा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा वृहद बंदरगाहों के समीप संस्थापित हैं क्योंकि? बताइए तो क्या कारण है कि भारत के जो तेल शोधन कारखाने हैं ये बंदरगाहों के समीप स्थापित हैं? ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया आर ऑफन लोकेटेड नियर द मेजर पोर्ट्स बिकॉज। ऑप्शन है आपके कि तेल क्षेत्र अधिकतर तट के समीप स्थित है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है, शोधित उत्पाद बाजार से सरलता से जुड़े हैं, ये तकनीकी क्षमता सुलभ है, कमेंट करें। चलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है, देयर इज द डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल। ठीक है, देखिए अगर बंदरगाह के पास में तेल शोधन कारखाने स्थापित किए जाएंगे तो जो कच्चा माल होगा उनको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक
ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है, जो टाइम है, ये सब बच जाता है। क्लियर? तो ऐसे ही इसीलिए जो है तेल शोधन जो कारखाने होते हैं वो बंदरगाहों के समीप स्थापित किए जाते हैं। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आया हुआ है फ्रेंड्स, वो आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? द नेपा नगर इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर। तो मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके वस्त्र उद्योग, अखबारी कागज, हौजरी, ये वनस्पति तेल। बताइए मतलब मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए फेमस है? चलिए तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, अखबारी कागज, ठीक है, न्यूज प्रिंट। क्लियर? तो मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर? बताएं फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके वस्त्र सामग्री, सिलाई मशीन, कांच की चूड़ियां या कृत्रिम रेशम। इनमें से बताइए साथियों कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए फिरोजाबाद जो है ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, ग्लास बैंगल्स, यानी कि कांच की चूड़ियों के लिए जो फिरोजाबाद है फेमस है, याद रखेंगे आप लोग। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स। क्लियर? चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। चलिए डियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? बताइए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके करंट वाले होते हैं। बताइए व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द कंट्री। प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए। देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? ऑप्शन है आपके उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका उर्वरकों की वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। ये इनमें से सभी कमेंट करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ओके तो ये सभी हमारे हैं। तो ऑप्शन फोर जिनका भी आंसर आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, इनमें से सभी हैं। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने की उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम तीन अग्रणी राज्य हैं, द फर्स्ट थ्री लीडिंग स्टेट्स इन द टर्म ऑफ कंजप्शन पर हेक्टेयर ऑफ फर्टिलाइजर्स आर। उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर की खपत की दृष्टि से तीन अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपके पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र, या पंजाब हरियाणा तमिलनाडु। कमेंट करें। इसमें हम बात करें कि कौन कौन से राज्य, आपको बताना है कि उर्वरक जो है फर्टिलाइजर्स हैं इनका सबसे अधिक यूज करते हैं, तो उसी में आपको जो है असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। बताइए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये एक ऐसे राज्य हैं जो कि
उर्वरकों की खपत में अग्रणी है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही हो, क्लास के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, सब लोग क्लास को अपने शेयर करते चलिए। ओके भाई, सब लोग प्लीज़ अपने क्लास को फ्रेंड्स शेयर करते चलें। ठीक है, चलिए ले चलते हैं हम आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने की भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है। व्हाट इज द फर्टिलाइजर कंजप्शन पर हेक्टेयर इन इंडिया। तो भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की जो खपत है, जो कंजप्शन है, वो कितना है। ऑप्शंस हैं आपके 156 किलोग्राम, 174 किलोग्राम, 128.02 किलोग्राम, 191 किलोग्राम। तो भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है, कमेंट करें। चलिए तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, 174 किलोग्राम। ठीक है, भारत में प्रति हेक्टेयर जो उर्वरक की खपत है ये 174 किलोग्राम है। ओके देखिए, 174 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खपत है भारत की। याद रखिएगा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपका। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकेंड आया हुआ है फ्रेंड्स, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने कि उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पता है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। बताइए उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। ऑप्शन है आपके पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, बताइए। चलिए तो अगर हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में, कि उर्वरक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये थर्ड प्लेस है, ये तीसरा स्थान है। ओके ये तीसरा स्थान है। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, तो तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। ओके चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला क्वेश्चन, तो तीसरा स्थान है। ठीक है चलिए ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सब लोग प्लीज़ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब लोग क्लास को अपने शेयर करते चलिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स इज मेड बाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है, बताइए। ऑप्शन हैं आपके 60%, 70%, 94% या 100%। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स इज मेड बाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कमेंट करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड, 94%, 94%। कितना 94%। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने कि भारत फॉस्फेटिक उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है, बताइए। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल कंजप्शन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज मेड बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बताइए। ऑप्शंस हैं आपके 40%, 60%, 82% या 92%, बताइए कि भारत फॉस्फेटिक उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर भाई, सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करते रहिए, बताएं।
चलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड, 82%। कितना? तो लगभग 82% पूरा करता है। ओके चलिए, ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की विभिन्न किस्मों, सॉरी कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में विभिन्न किस्में जैसे नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक तथा पोटैशिक का प्रयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए, तो भारत में यह मानक अनुपात माना जाता है। देखिए एनपीके आपसे पूछेगा एनपीके का अनुपात कितना होता है, यानी कि ये नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक और पोटैशिक, ठीक है। अब एनपीके का अनुपात कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स डिफरेंट वेराइटीज नाइट्रोजनस, फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक शुड बी यूज इन अ बैलेंस्ड रेशियो इन एग्रीकल्चर। दिस स्टैंडर्ड रेशियो इज फॉर इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी। तो 1:2:4, 2:1:4, 4:1:2 या 4:2:1, बताएं कितना अनुपात होता है। चलिए तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 4, 4:2:1, ठीक है। 4:2:1, देखिए जो नाइट्रोजन होना चाहिए 4:1 में होना चाहिए, फॉस्फेटिक 2 और पोटेशियम 1। क्लियर? ऑप्शन 4 जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका और भी अच्छा है, देखते हैं इसको कौन बता पाएगा। प्रश्न है कि किस हवाई अड्डे के मार्ग से 1994-95 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात होने के कारण उसे स्वर्णिम द्वार कहा गया। विच एयरपोर्ट रूट वॉज कॉल्ड गोल्डन गेट ड्यू टू द हाइजेस्ट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इम्पोर्टेड ड्यूरिंग 1994-1995। तो ऑप्शन है आपके दिल्ली, कोझिकोड, चेन्नई या तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सेकंड कोझिकोड। क्लियर? तो कोझिकोड हवाई अड्डे के मार्ग से 1994-95 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात होने के कारण इसको स्वर्णिम द्वार कहा गया था। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? विच इंडियन स्टेट हैज द मोस्ट एयरपोर्ट? बताइए कि किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन हैं आपके महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात या दिल्ली। फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट कीजिए वह कौन सा हमारा भारत का राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं, मैंने अभी आपको बताया भी था, कमेंट करें फटाफट। चलिए तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, गुजरात। क्लियर? तो गुजरात में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब हम ले चलते हैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा विमान पत्तन पूरी तरह से सौर शक्ति चलित विश्व का प्रथम विमान पत्तन बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू रन एंटायरली ऑन सोलर पावर? ऑप्शन है आपके लोकप्रिय
गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन, अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन या कोची अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन लिमिटेड केरल। कमेंट करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, कोची अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड केरल, द कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ये कहाँ पे? केरल में है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 4 आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो एक ऐसा विमानपत्तन यानी कि ऐसा बंदरगाह है, पोर्ट है, जो कि पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी से चलता है। ओके, सो ऑप्शन 4 जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने कि स्वदेशी निर्मित तथा बहुउद्देशीय यात्री विमान थे, अतः इंडिजिनियसली बिल्ट एंड मल्टीपर्पज पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स वर। तो स्वदेशी निर्मित और बहुउद्देशीय यात्री विमान कौन थे, उनका नाम क्या है? ऑप्शन है आपके जगुआर, नागार्जुन, सारस या त्रिशूल। कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, है ना। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 3, सारस। कौन थे? सारस नाम थे इनके विमान थे, जो कि पूर्णतः स्वदेशी थे और ये एक बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय किनको बोलते हैं? एक से अधिक उद्देश्य वाले, ठीक है, और ये बहुउद्देशीय यात्री विमान थे। क्लियर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपके लिए इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने कि सारस सॉरी भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? उड़ान अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। तो भारत की एक प्रमुख योजना है उड़ान जिसका नाम है, तो उड़ान का संबंध किससे है बताएं? ऑप्शन है आपके कृषि, नगर विमानन, रक्षा या सामाजिक न्याय। कमेंट करें। चलिए उड़ान योजना का संबंध है नगर विमानन से यानी कि सिविल एविएशन। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2, तभी बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो नगर विमानन से संबंधित है कृषि जो उड़ान योजना है। ओके, ऑप्शन 2 अगर आप चुने हैं इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ले चलते हैं आपको आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे फिर से कहना चाहेंगे जो कि क्लास है जो है लगभग 80% तक एंड हो चुकी है। ठीक है, लगभग 80% 80% तक अभी क्लास एंड हो चुकी है। तो आशा करेंगे आप सब लोगों को क्लास के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। भाई जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर अभी तक भी नहीं किया है वो सब लोग प्लीज़ अपने क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। ओके, सब लोग प्लीज़ अपने क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए तो हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ानें प्रारंभ की हैं? फॉर विच कंट्री डिड इंडियाज प्राइवेट एयरलाइंस स्टार्ट फ्लाइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों ने सबसे पहले किस देश के लिए उड़ानें प्रारंभ की थीं? ऑप्शन हैं आपके पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या श्रीलंका। कमेंट करें। ऑप्शन 4 श्रीलंका। ओके, ऑप्शन 4 जिनका भी आंसर आया हुआ है
वो आपका इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। तो श्रीलंका हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था। एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड वॉज नेशनलाइज्ड एज अ पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन। ऑप्शन है आपके 29 जुलाई 1946 को, 1 अगस्त 1948 को, 1 अगस्त 1953 को, 2 अक्टूबर 1959 को। तो एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का जो सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, कमेंट करें। चलिए तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 अगस्त 1953 को। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था, 1 अगस्त 1953 को एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि कराधान एक उपकरण है, टैक्शन इज अ टूल। तो कराधान एक उपकरण है किसका एक उपकरण है बताएं। ऑप्शन है आपके मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, कीमत नीति का या मजदूरी नीति का, बताइए कराधान एक किसका उपकरण है। साथियों काफी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करें आप लोग। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, राजकोषीय नीति का। ठीक है, ऑफ फाइजल पॉलिसी। तो कराधान एक जो है राजकोषीय नीति का उपकरण है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने कि भारत सरकार का वे किस पर इमदाद यानी कि सब्सिडी के कारण अधिकतम है। द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मैक्सिमम ड्यू टू द सब्सिडी ऑफ विच। तो किस पर सब्सिडी देने के कारण जो भारत सरकार का वे है सबसे ज़्यादा है, LPG, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका खाद्यान्न, उर्वरक या तेल, कमेंट करें। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ऑयल, तेल। इस पर ऑयल पर, तेल पर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, तो तेल पर। ओके, ऑप्शन 4 अगर आप चुने इस क्वेश्चन का आंसर तब तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, बताइए। ऑप्शन है आपके भारत राष्ट्रीय विकास परिषद, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान, वित्त संस्थान या वित्त मंत्रालय, कमेंट करें। डियर फ्रेंड्स में पूछा गया है कि कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वित्त मंत्रालय। कौन करता है, तो ये वित्त मंत्रालय करता है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित। सो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों ने में वितरित नहीं किया जाता है? बताएं, विच रेवेन्यू अर्न बाय द यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो संघ राज्य सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को जो है सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? ऑप्शन है आपके उत्पाद शुल्क, आयकर, सीमा शुल्क या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आप चुने हैं आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सीमा शुल्क, कस्टम्स। ठीक है, तो सीमा शुल्क एक ऐसा कर होता है जो कि राज्य सरकारों में इसको साझा या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है वो आपका फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका काफी अच्छा है। प्रश्न है कि भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इन विच ईयर सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में सेवा कर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 1994, 95, 1996, 97, 1998, 99 या 1991, 92। भारत में सेवा कर की शुरुआत कब हुई थी सर्विस टैक्स? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1994-95। ठीक है, तो 1994-95 में जो है भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1994-95 में। ओके चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, सही है। ओके कस्टम्स, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। इसमें क्या था कि भारत में सेवा कर की शुरुआत कब हुई थी या प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो भी डिस्कस किया गया इसको 1994-95 में। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? बहुत बार क्वेश्चन को पढ़ाया गया है, बहुत बार डिस्कस किया गया है, तो गलत तो आप लोग इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बताइए, विच बॉडी प्रिपेयर्स फाइनेंशियल पॉलिसी इन इंडिया। तो भारत में कौन सी संस्था राजकोषीय नीति को तैयार करती है? ऑप्शन है आपके वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, RBI या SBI। बताइए। भारत में जो वित्त मंत्रालय होता है, भारत में जो वित्त मंत्रालय होता है ये राजकोषीय नीति को तैयार करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ओके, वित्त मंत्रालय। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिफिसिट फाइनेंशियल सिस्टम ऑन द इकोनॉमी। तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है आपके करों में कमी, मजदूरी में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी या मुद्रा आपूर्ति में कमी। कमेंट करें। चलिए, जो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव यह पड़ता है कि मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके चलिए, तो फ्रेंड जो क्लास के क्वेश्चन थे वो तो खत्म हो चुके हैं। ओके चलिए, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछेंगे फिर आपकी क्लास को एंड कर देंगे। बताइए, 75वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वें संविधान
संशोधन का संबंध है। मतलब 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ये पंचायती राज से है। ठीक है, अगला बताइए। लोक सेवा का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 315 में। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड चलिए, तो क्लास इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। एक क्वेश्चन और बता दीजिए। स्वचलित ऑटोमोबाइल का आविष्कार किसने किया? देखिए, ऑटोमोबाइल की यहाँ पे हम कार से संबंधित पूछ रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सा, कार का आविष्कार किसने किया? तो कार्ल बेंज ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड, जो क्लास है इसको यहीं पे रखते हैं आज। ठीक है, इस क्लास में इतने क्वेश्चन रखते हैं। तो आशा करेंगे आप सब लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। देखिए, जो लोग क्लास में फ्रेंड्स अभी आए हुए हैं, वो लोग क्लास को अपने स्टार्टिंग से जरूर देखें, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। चलिए प्लीज़, सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। ओके चलिए, तो जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है सब लोग अपने क्लास को शेयर करें। ओके चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग ख्याल रखें, सेफ रहें। ओके, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। जय बी एस ए क्लास। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।